दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मस्ट बी के चैनल है मेरा, और आज आप लोग सरकारी रिजल्ट पर ढेर सारी वैकेंसियों के बारे में देखते हैं, लेकिन सरकारी रिजल्ट टूल्स के बारे में आपको बताएंगे कि जो जो टूल्स होते हैं आप यूज करते हैं और कितने लोग नहीं जान पाते हैं कि इनका यूज ये टूल्स कहाँ पर मिलेगा। तो इसे संबंधित सोचा गया कि ऐसा वीडियो बनाया जाए, एक सरकारी रिजल्ट टूल्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए, जो इसमें टूल्स होते हैं, इमेज रिसाइजर, रिमूव इमेज और पीडीएफ बनाना, बायोडाटा बनाना और टाइपिंग, जेपीजी, पीडीएफ, फ़ोटो पर डेट लिखना। ये देखिए, फ़ोटो पर डेट लिखने के लिए रिज्यूम, सी वी मेकर, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, जेपीजी से पीडीएफ बनाना, ये सारे फंक्शन आपके जो हैं सरकारी रिजल्ट पर सबसे नीचे, इमेज रिसाइजर, रिमूव बैकग्राउंड, तो ये सारे उपलब्ध हैं। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट जब भी आप खोलेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको, सबसे नीचे सरकारी टूल्स मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हैं, और इनका यूज करके आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि कैसे यूज करना है, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा मेरा, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अच्छी जानकारी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इमेज रिसाइजर को हम बताते हैं कि इमेज रिसाइज, देखिए इमेज रिसाइजर है, इसे सरकारी रिजल्ट में आज के टॉपिक में सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे इमेज रिसाइजर के बारे में। इमेज रिसाइजर होता क्या है और फोटो और डॉक्यूमेंट कैसे रिसाइज किया जाता है, लास्ट तक समझिएगा और लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो इमेज रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं वेबसाइट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों क्लिक किया हमने इमेज रिसाइजर पर, और इमेज रिसाइज देखिए कैसे होता है, जो जहाँ पर लिखा है सिलेक्ट फाइल, जहाँ पर कर्सर है, इस पर क्लिक आप जब करते हैं तो क्लिक आपके करने के बाद आपका कोई भी इमेज, देखिए जैसे इस इमेज को हमने उठा के ये ओपन किया और इसमें कर्सर पर जाकर के इमेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद जेपीजी में करना है कि पीएनजी, जीआईएफ, जो जिस फॉर्मेट में है वो रखना है, कितना परसेंट आपको कम करना है या ज़्यादा करना है ये इसमें शो करना है। फिर उसके बाद पिक्सल में देख लीजिए, पिक्सल में आपको चौड़ाई और ऊंचाई ये सेट करने के लिए इसमें आ जाएगा, या फिर साइज करना चाहते हैं तो साइज कर लीजिए इसमें, किस साइज का आपको चाहिए, बैंक का चाहिए, पीओ का चाहिए, यूपी टेट सिग्नेचर फोटो, जो भी साइज है सारा साइज इसमें दिया रहता है, जो भी साइज, जितने भी फॉर्म फिलअप होते हैं सारे का साइज दिया रहेगा इसमें। उसमें जा करके आपको क्लिक करना है, देख लीजिए SSC सिग्नेचर, UPTT फोटोस, जो उस फार्म को आपको फिलअप करना है उस फार्म पे साइज अपना देख लीजिए। साइज देखने के बाद आप रिसाइज कीजिए, आराम से आपका फोटो रिसाइज होकर के सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बताया हमने फोटो रिसाइज कैसे करना है सरकारी रिजल्ट पे ऑनलाइन। इसके लिए आपके लैपटॉप में
या कंप्यूटर में इंटरनेट रहना ज़रूरी है और आप लोग इससे रिसर्च कर सकते हैं। अब आप भी आपको बता रहे हैं कि किसी भी इमेज का यदि आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं ऑनलाइन, आपके पास कोई तकनीक का ज्ञान नहीं है या फिर किसी सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं जानते हैं, तो ऑनलाइन आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। सर्वप्रथम इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन ये आ गया, एडवर्टाइज है इससे नहीं मतलब है। देखिए नीचे लिखा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें अपलोड करेंगे इमेज। हमने देखिए इमेज अपलोड किया, इमेज अपलोड कर दिया। अब ये इमेज हो गया, इमेज अपलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड किस प्रकार का चाहिए ये हम इस कॉलम में चुनेंगे। कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए, लाल चाहिए, इस कलर का चाहिए, जिस कलर का चाहिए आप मैच कर सकते हैं। ब्लू चाहिए तो देखिए ब्लू करने पर ब्लू आ जा रहा है, ब्लैक करने पर ब्लैक आ जा रहा है, रेड करने पर रेड आ जा रहा है। इस प्रकार से अपना बैकग्राउंड आप इमेज का चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद यदि आराम से इसको सेव कर सकते हैं। डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया मेरा इमेज और ये खुल के आ गया ऐसा, ये मेरा इमेज बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इमेज रिमूव का काम हमने कर दिया। आपको बताया हमने कि बैकग्राउंड चेंज कैसे किया जाएगा और रिसाइज करने का दो काम हमने बता दिया। मुझे जानकारी है, मुझे आशा है कि लगभग आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं, आप में को इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। और जो भी भाई बंधु बहने नहीं जानते इस बात को, वो खुद अपने हाथ से इस काम को कर सकती हैं। एक बहुत ही टिपिकल जानकारी उम्र को लेकर के होती है कि आपको उम्र का घटाना, आप कितने साल के हुए हैं, ये देखने के लिए आप काफ़ी संदेह में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए एज कैलकुलेटर भी सरकारी रिजल्ट के टूल पर दिया है, ये करके देखते हैं कैसे एज कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एज कैलकुलेटर पर हमने क्लिक किया और देखिए क्लिक टू कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2014 है, जनवरी माह 1 जनवरी 2014, और आज की डेट क्या है 23 सितंबर को हम वीडियो बना रहे हैं। अब आराम से आपको कैलकुलेट कर लेना है 10 साल 8 महीना 21 दिन। तो इस प्रकार से दिनों की संख्या, सप्ताह की संख्या, घंटों की संख्या, मिनट की संख्या और सेकंडों की संख्या, सारा कुछ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए आराम से यदि कहीं समस्या हो तो आराम से एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने साल के हुए हैं। और ये सरकारी रिजल्ट टूल पर उपलब्ध है, सरकारी रिजल्ट पर जाना है और सबसे नीचे आपको जाना है, सरकारी टूल्स पर आ जाएगा, वहाँ ये उपलब्ध रहेगा। अब आगे बताते हैं कुछ टेक्निकल जानकारी आपको। अब आते हैं बायोडाटा पर, शादी ब्याह के लिए ज़रूरी चीज़ बायोडाटा बनाना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल सा लगता है कि बायोडाटा कहाँ से बनाएं। तो उसमें सरकारी रिजल्ट टूल पर जा करके आप आराम से बायोडाटा बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है और आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो को। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा।
काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा नई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी नई ही है उनके लिए जो नहीं जानते हैं। अब क्लिक करते हैं, देखते हैं मैरिटल बायोडाटा में क्या क्या होना है। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं, मैरिज बायोडाटा। तो बायोडाटा रेडी करने के लिए आप लोग देखिए, कॉलम खुल गया, सारा कॉलम आप लोग धीरे धीरे अपनी जानकारी, नाम, जन्म तिथि, प्लेस ऑफ बर्थ, इंटर, कास्ट, सारा कुछ आपको भर देना है। कम्प्लेक्शन, हाइट, धर्म, जात, पेशा, एजुकेशन करके, और जो भी डिटेल इसमें इंटर करना है वो आप डिटेल इंटर कर सकते हैं। इसमें कई कॉलम रहेंगे, फैमिली के डिटेल भी रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा, सिंगल मल्टीपल फोटो रहेगा, इतना डाटा चाहिए आपको। ये सारे डाटा आपको फिलअप कर करके और कैप्चा कोड डालना है और जनरेट बायोडाटा पे क्लिक कर देना है, आपका बायोडाटा क्लिक हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सरकारी टूल्स के मैरिज बायोडाटा। अब पीडीएफ वर्क रिलेटेड जितने भी काम हैं, अक्सर आपको पीडीएफ छोटा करना या तो पीडीएफ संबंधी जो भी वर्क है उस पर हम काम करके दिखा रहे हैं कि पीडीएफ को किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना है, जोड़ना है, ये सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। मर्ज करना रहेगा, मर्ज हो सकता है पीडीएफ, स्प्लिट जोड़ सकते हैं तो उसको छोटा बना सकते हैं, पीडीएफ से जेपीजी कर सकते हैं, जेपीजी से पीडीएफ कर सकते हैं, वर्ड से पीडीएफ कर सकते हैं। ये सारी जानकारी पीडीएफ की है, देखते हैं आपको एक जेपीजी से पीडीएफ बना के दिखाते हैं। ये ऑनलाइन व्यवस्था है, जेपीजी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक किया हमने, एक फ़ोटो उठाते हैं, एक्स्ट्रा एक फोटो उठाया हमने, ओपन करते हैं और राइट क्लिक में आ करके उसको कन्वर्ट पीडीएफ पर करते हैं। कन्वर्ट पीडीएफ करने के बाद उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद देखिए आधार कार्ड था, आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। ये है पीडीएफ बनाने की प्रक्रिया, किसी भी चीज़ को, किसी भी आप डाटा को आप पीडीएफ बना। किसी किसी फॉर्म में ऐसा होता है कि फ़ोटो पर नाम और डेट लिखने की बात आती है, तो वो प्रक्रिया हमको कैसे करना है, जो लोग नहीं इस प्रक्रिया को जानते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आपको कैसे बनाना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आ गया जैसे फ़ोटो नेम ज्वाइंटर, आप यहाँ पर नाम लिखिए, जैसे मेरा नाम है PPGRT, नाम लिख दिया, डेट लिख दिया आज का, अब फोटो ब्राउज कर लिया, फोटो ब्राउज कर लिया अपना, ओके, और जनरेट जो करेंगे तो आपका फोटो पर नाम और लिखा हुआ आ जाएगा, करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फोटो है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं नाम। सुरक्षा कारणों से हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं, आप ऐसे फ़ोटो और नाम, डेट अपनी फ़ोटो पर लिख लेंगे
और सरकारी टूल्स में एक और आ रहा है रिज्यूम या सीवी मेकर, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेहद इम्पोर्टेंट खबर है, बहुत ही ज़रूरी है, बार बार आता है रिज्यूम या सीवी मेकर। तो इस पर क्लिक करके आपको सिखा रहे हैं दोस्तों को कैसे बनता है। देखिए, रिज्यूम बनाना है या सीवी बनाना है, जो भी बनाना है आप उसको आराम से फिलअप करेंगे। देखिए क्या क्या फिलअप करना है। सीवी मेकर पर क्लिक करेंगे, देखिए नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, हर चीज़ डालना है। और उसके बाद यहाँ पर किस चीज़ के लिए आप दे रहे हैं वो डालना है, आपने क्या पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, और फोटो यहाँ ब्राउज करके लगा देना है। और जिस फार्मेट में आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। और चूँकि करके दिखा देता, लेकिन डाटा सिक्योर रखना है, किसी का भी डाटा महत्वपूर्ण होता है, हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं, खासकर जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जॉब के लिए, तो ऐसा सीन ज़रूरी रहता है, ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ये सरकारी रिजल्ट टूल पर मिलेगा। इंग्लिश टाइपिंग भी है, इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट भी फ्री टेक प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज कैलकुलेटर हमने आपको बता दिया। अब फोटो और सिग्नेचर ज्वाइंट कैसे करना है ये आपको सिखा रहे हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, खासकर कई फार्मों में आता है फोटो में सिग्नेचर जोड़ने के लिए, तो आप सिखाते हैं फोटो सिग्नेचर कैसे जोड़ना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर ज्वाइंटर है, और फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं हम, फोटो हो गया, सेलेक्ट कर लिया फ़ोटो, और सिग्नेचर, सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है, UTTDB, और जनरेट किया। देखिए फोटो के साथ सिग्नेचर भी आ गया, ऐसा आप लोग आराम से कर सकते हैं और अपने फॉर्म में फिलअप करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप हमें कमेंट, इमेज रिसाइज करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और पीडीएफ में बदलने के लिए, शादी का बायोडाटा, JPG टू PDF, फ़ोटो बायोडाटा मेकर बताया, फ़ोटो में नाम और डेट लिखने के लिए बताया, रिज्यूम बनाने के लिए समझाया। तो कैसा लगा मेरा आज का सरकारी रिजल्ट टूल्स का वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, और ऐसी जानकारी के लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका बेहद आभार रहेगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।